गंगा नदी सन्यासियों को पालने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, या गृहस्थियों को सपोर्ट करने वाली है, सन्यासियों को सपोर्ट करने वाली है? इसलिए जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं दे पाई आदमी। इसलिए मुरली में बोला है, गान गंगाएं निकली हैं अंत में। फिर बाद में निकलती है 83-84 में 84 घंटे वाली देवी, जिसके लिए बोला है 83 में 13 होना चाहिए। न यमुना नदी तेरी हुई, न तत्कालीन ब्रह्मा कुमारियों में से कोई तेरी हुई, न गंगा तेरी हुई। कौन हुई तेरी? जगदम्बा तेरी हुई। और वो जगदम्बा लंबे समय तक सतो प्रधान प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, सतो सामान्य प्रकृति का पार्ट बजाती हुई, द्वापर युग की राजसी स्टेज में जब पहुंचती है तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी होते होते जगत पिता का पार्ट बजाने वाले प्रजापिता से अलग हो जाती। जो मुरली में बोला है कि मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो जगदम्बा भी पूरा साथ नहीं निभा पाती। मुरली में तो बोला है भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी जूती लेते हैं, ऐसे करते 3-4 भी बदल देते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, तो ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा नहीं है, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाली है। नहीं तो असली जगदम्बा कौन है? है असली जगदम्बा तो ब्रह्मा ही है, परंतु दाढ़ी मूछ होने के कारण जगदम्बा है नहीं जिसकी पूजा होती हो, वो ही ब्रह्मा। जब स्त्री चोले में प्रवेश करती है, कोई माता में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो वो भी रजो प्रधान होने पर अलग हो जाती है। अब तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम निवृत्ति मार्ग में तो रह न सको, तो किसकी बुद्धि में पहले आएगा? कौन सी पार्वती की बुद्धि में पहले आएगा? कि ऐसी स्थिति, ऐसे स्थान का निर्माण होना चाहिए जो अमर लोक का फाउंडेशन बने, बीच में ही टूट फूट न हो जाए।
तो वो पार्वती ही निमित्त बनती है। किस बात के है? काशी नगरी आनंद कानन की स्थापना के लिए। और अरे कान लंबे करना जरा पीछे तक। और एक बार बोलो, ये आगे वाली माताएं सुने कम से कम। पुत्र बाणों के शैया पर सोया क्या है? गंगा पुत्र भीष्म जो है वो शैया पर सोया है, बाणों की शैया पर सोया हुआ है, है उसका बेहद में अर्थ क्या है? कहते हैं कि भीष्म पितामह का जन्म गंगा और शांतनु के संयोग से हुआ था। क्या? किसके किसके संयोग से? गंगा और शांतनु। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं न कहीं गंगा है तो है या नहीं है? है, तब तो अव्यक्त वाणी में बोला कि गंगा कहां से निकली? कानपुर से निकली या इलाहाबाद से निकली? तो इलाहाबाद का नाम लेना तो फिर भी ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद में तो गंगा के किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। लेकिन कानपुर का नाम क्यों बोल दिया? ऐसे तो ढेर के ढेर शहर हैं जिन्हें शहरों से गुजरती हुई गंगा बहती रहती है। बनारस का नाम बोल देते, पटना का नाम बोल देते, हरिद्वार का नाम बोल देते, सो नहीं बोला। क्या बोला? कानपुर से निकली। वो कानपुर फर्रुखाबाद का इलाका ऐसा है जहां राम की नगरिया का मेला बहुत लगता है गंगा के किनारे। वो राम वाली आत्मा ही शांतनु है। शांतनु का अर्थ है नो शांति एट ऑल। अगर प्रवृत्ति मार्ग नहीं है तो हमको शांति नहीं है। तो उनका साथ निभाने वाली उनको गंगा मिल जाती है। गंगा से सात पुत्र पैदा होते हैं। वो कोई दूसरी आत्माएं नहीं है, वो ही सात और धर्मों के सन्यासी हैं। जिन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। आठवां नंबर भीष्म का है। और वो भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा लेने के कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म माने ही भयंकर। जो प्रतिज्ञा लेकर के और जिंदगी भर कोई निभाए सच्चाई पूर्वक,
ऐसा आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं। वो भीष्म गंगा से जन्म लेता है, तो वो भीष्म ब्राह्मणों की दुनिया में होगा या नहीं होगा? है? होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसने प्रतिज्ञा ली है तो वो पूरी करने वाला है। शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, और वो भीष्म बहुत पावरफुल है। क्या पांडवों का साथ देता है या कौरवों का साथ देता है? कौरवों का साथ देता है। पावरफुल भी है, सच्चाई भी है, पवित्रता भी है, तो भी कौरवों का साथ देता है। कौरवों और यादवों के बीच यादव सेना और कौरव सेना दोनों के बीच में उनकी धाक जमी हुई है कि वो जितने पावरफुल हैं उतना और कोई महारथी पावरफुल नहीं। तो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है या कोई और धर्म वालों के बीच में पावरफुल आत्मा है? वो सन्यासियों के बीच में पावरफुल आत्मा है। सन्यासियों के बीच में ऐसी पावरफुल आत्मा है जिसके लिए मुरली में बोला है कि बड़े बड़े सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वो सन्यासी संसर्ग में संपर्क में आते नहीं है ब्राह्मण बच्चों के, संसर्ग संपर्क में भी आते हैं लेकिन पुरानी पावरफुल आत्माएं है ना, इसलिए अगर कोई ब्राह्मण बच्चों में कोई हिम्मत करता है कि हम जाकर के उन्हें सच्चाई सुनाएंगे, सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनाएंगे और उनको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि बजाय उनको कन्वर्ट करने के वो अपने में कन्वर्ट कर लें। यही हुआ विष्णु पार्टी का हाल। विष्णु पार्टी के जो मूल अधिष्ठाता शुरुआत जिन्होंने की, उन्होंने भी पूछा था क्या हम उन लोगों को जाकर के समझाएं, तो उन्हें इशारा भी दिया था समझाओ तो, लेकिन पुरानी आत्माएं हैं, ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, क्या है पावरफुल आत्माएं हैं, संभल के जाना, ध्यान नहीं दिया। और गए थे समझाने और उन्हीं के प्रभाव में आकर के और ही उल्टा कदम उठाए बैठे।
द्वापर युग की शूटिंग पूरी हुई और उनके सन्यासियों के प्रभाव में आकर के उल्टा ही हमला कर दिया एडवांस पार्टी के ऊपर। तो बताओ इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वगैरह दुनियावी रीत से ये सन्यासी हैं या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं? है? ये भी सन्यासी है, जरूर उन सन्यासियों की वो बीज रूप आत्मा है। कौन? जिसके लिए बोला है भीष्म भयंकर है। मुरली में ये भी इशारा दे दिया, ये इस्लामी पहले मरेंगे। तो हद की मौत तो बाद में मरेंगे, पहले बेहद की मौत मरेंगे। और जब ये मरेंगे तो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। ये बड़े बड़े सन्यासी जब मरेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। अभी गंगा के भक्ति मार्ग के प्रभाव में है या ज्ञान मार्ग के प्रभाव में है? भक्ति मार्ग के प्रभाव में है। वो सन्यासियों को ऐसे ऐसे ज्ञान के बाण लगते हैं कि एक के बाद एक घायल ही होते चले जाते। उन घाव को स्वीकार भी करते हैं कि हां हमसे ये गलती हुई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहें भी भरते हैं, सारा शरीर ही छलनी किया जाता है ज्ञान बाणों से। ज्ञान बाणों से शरीर छलनी होता है या आत्मा छलनी होती है? सूक्ष्म शरीर कहे छलनी हो गया। वो बाण अभी भी लग रहे हैं, अभी उनका सूक्ष्म रूप है। लास्ट में प्रत्यक्ष महाभारी महाभारत युद्ध होगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा शास्त्रों में वो 18 दिनों का युद्ध गाया हुआ है। अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में चारों ओर धमाधम मच जाएगी। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है तो उतना घाव महसूस नहीं हो रहा है। जब सारी दुनिया के बीच में बात आवेगी तो घावों की कितनी जलन महसूस होगी। वो बाणों की शैया पर भीष्म पितामह को ऐसे ही दिखाया गया है जैसे राम वाली आत्मा को सीढ़ी के चित्र में कांटों की शैया के ऊपर दिखाया है। जैसे जैनियों ने हिंदुओं को कॉपी किया है शास्त्रों में,
24 तीर्थंकर दिखाई दिए हैं। हिंदुओं ने पूरे षष्ठ चक्र को 4 युगों में बांट दिए हैं, 2 युग चढ़ती कला के, 2 युग उतरती कला के। ऐसे ही जैनियों ने 6 आरों में षष्ठ चक्र को बांट दिए हैं, 3 आरे चढ़ती कला के, 3 आरे उतरती कला के। उन्होंने चढ़ती कला के 3 आरों में निमित्त दिखाया है 24 तीर्थंकरों को। जैसे भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार गिनाई दिए हैं, ऐसे ही सन्यासियों ने भी हिंदू शास्त्रों को ही फॉलो किया हुआ है और उसमें भगवान दिखाया है। बड़े से बड़े पवित्रता का पालन करने वाले को उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। वो गंगा के 8 पुत्र दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल भीष्म पितामह को दिखाया। अंत में और भी जास्ती प्रत्यक्षता होती जाएगी शास्त्रों की। इस ज्ञान के आधार पर अभी ज्ञान के ढेर सारे पॉइंट्स अभी भी गुप्त है, फिर शास्त्रों से पूरे ही टैली होंगे। जैसे शास्त्रों में मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, यज्ञ के आदि में गीता का ही उपदेश दिया जाता था, अंत में गीता का एक एक श्लोक प्रत्यक्ष हो जाएगा ज्ञान के अनुसार। जब गीता की 108 से भी ज्यादा टीकाएं तैयार हो सकती हैं, जो टीकाएं व्याख्याएं एक दूसरे को काटने वाली हैं, तो ज्ञान के अनुसार टीका क्यों नहीं तैयार हो सकती? वो भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। और गीता का कनेक्शन है भागवत और महाभारत के साथ, और तीनों शास्त्रों की प्रत्यक्षता ज्ञान के आधार पर हो जाएगी। अकेले भीष्म पितामह तो क्या, जो पांडवों के 18 महारथी हैं, कौरवों के 18 महारथी हैं, उन सब के पार्ट एक एक करके प्रत्यक्ष होते जाएंगे। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं पार्टधारियों के, कोई के राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे हैं और कोई के देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं। चरित्रों के आधार पर चित्र भी तैयार हो रहे हैं। पढ़ के सुना रही है, कोई गुरु है, गुरुजी ने लिखवाया है, तू भी बाबा को फॉलो कर रही है। बाबा भी कहते थे यज्ञ के आदि में, बाबा लिखाते थे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा बैठ लिखते थे,
फिर उसकी कापियां निकलती थी। तो तू ब्रह्मा बाबा हो गया, तेरा शिव बाबा कौन है? है हाँ, क्या पूछा इसने? नहीं समझ पाया? महाभारत में दिखाया है कि स्वर्ग में अप्सरा अर्जुन को श्राप देती है कि तुम सदा नपुंसक हो, बने रहो। सदा कहाँ बोला? सदा नहीं बोला। शूटिंग कैसे होती है? हर एक प्रकार की जो शक्ति है, उस शक्ति को धारण करने की भी कोई सीमा होती है या नहीं होती है? शक्ति की भी सीमा होती है। अर्जुन के पास भी वो शक्ति थी, जिसको भगवान ने आकर के कंट्रोल किया। क्या कंट्रोल किया? भगवान ने आकर के क्या कंट्रोल किया? अरे अरे, रथ को कंट्रोल किया या नहीं किया? हैं? रथ को कंट्रोल किया, और रथ में भी क्या कंट्रोल किया? हैं? इंद्रियों को कंट्रोल किया। इंद्रियों में भी मुख्य कौन सी इंद्रिय है जो पुरुषों के कंट्रोल से हर हालत में बाहर हो जाती है? हैं? काम इंद्रिय की शक्ति। भगवान ने उन सभी नंबरवार कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया। जब फाइनल परीक्षा होती है तो जो मॉनिटर होता है उसको टीचर कुछ सहयोग दे देता है क्या? है? सहयोग देता है? नहीं देता है। ये भी पांडवों की परीक्षा के 12-13 वर्ष गए हुए हैं। ये 12 वर्ष तक तो कंट्रोलिंग ठीक रहती है, 13वां वर्ष है गुप्तवास का। उस गुप्तवास के टाइम पर शिव बाबा गुप्त होता होके परीक्षा लेता है, या जैसे और 12 वर्ष तक चलता रहता है ऐसे ही चलता रहता है? है? गुप्त होकर के परीक्षा लेता है। उस 13वें वर्ष में वो शक्ति लोप हो जाती है जिसके आधार पर दिखाया कि कृष्ण भगवान ने 16,000 रानियों को कंट्रोल किया। ये योग बल की बात है। ये याद का बल, इसे मैं नंबरवार बच्चों के लिए भगवान बाप सहयोगी बनता है या बिना सहयोग किए ही सारा कार्य चलता है? सहयोगी बनता है। गुप्त रह करके ज्यादा सेवा की जा सकती है? दिन प्रतिदिन के ब्राह्मण जीवन में देखें कि हम गुप्त रह करके ज्यादा सेवा कर सकते हैं या प्रत्यक्ष रह करके सेवा का फील्ड ज्यादा बड़ा हो जाता है?
है, गुप्त रह के ज्यादा सेवा कर लेते हैं है? है? जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो सेवा का फील्ड बढ़ जाता है। गुप्त रहते हैं तो सेवा का फील्ड छोटा हो जाता है। ऐसे ही 13वें वर्ष में जब पांडव गुप्त हो गए तो उनका सेवा का फील्ड दायरा संकुचित हो गया या फैल गया है, एक परिवार से कनेक्टेड हो गया। वो परिवार का नाम क्या दिया है, कौन सा राजा, राजा का नाम क्या दिया, विराट। विराट रूप किसका होता है, है? विष्णु का विराट रूप होता है। तो गुप्तवास के टाइम पर जो विष्णु देवता है उसके परिवार की स्पेशल सेवा का टाइम है। विश्व के आधार पर विस्तार की सेवा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्माओं की सेवा है जिसके लिए अभी से ही डायरेक्शन दिया हुआ है। क्या? विजयमाला का आवाहन करो। जो साथी होता है उसकी मेंटेलिटी का, उसके वाइब्रेशन का राजयोगी के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, है? पड़ता है। ऐसे ज्ञान में चलने वाले भी हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, विकार के लिए टांग खींचती रहती है, और वो युगल भी है जिनकी युगल पूरा सहयोग देती है, ज्ञान में चलती है। तो पुरुष ज्यादा विजयी का अनुभव करेगा। और हार कहां ज्यादा अनुभव करेगा, दो ऑप्शन बता दिए। एक युगल ऐसा है जिसकी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, घड़ी घड़ी वाइब्रेशन खराब करती है। एक युगल ऐसा है जिसकी पत्नी पूरा सहयोग देती है, वाइब्रेशन से लेकर के स्थूल कर्मेंद्रियों तक भी पूरा सहयोग देती है। तो वो राजयोगी, दोनों के बीच में कौन विजयी होगा और कौन हारता रहेगा, तो यही हाल है। घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, नहीं तो ये इंद्रियां कंट्रोल में होने वाली नहीं है। और लव माने क्या है, है? लव माने क्या है, प्यार। क्रिश्चियंस के मुकाबले मुसलमानों का जो लव है, प्यार है, वो ज्यादा स्थाई है या क्रिश्चियंस का प्यार ज्यादा स्थाई है?
इस्लामियों में ज्यादा व्यभिचार है या क्रिश्चियंस में ज्यादा व्यभिचार है? इस्लामियों में ज्यादा व्यभिचार है, नहीं ज्यादा स्थायित्व है प्यार में, क्योंकि उनके अंदर सीमा बंधी हुई है। एक पुरुष कितनी शादियां कर सकता है? चार शादियां कर सकता है। और क्रिश्चियंस में तो कोई लिमिट ही नहीं है, व्यभिचार की अति हो जाती है। तो विधर्मियों के हिसाब से देखा जाए, राम तो त्रेता युग का है, जो सीता चुराई गई होगी वो आखिरी जन्म की बात है या त्रेता के पहले जन्म की बात है? है आखिरी जन्म की बात है। तो उस आखिरी जन्म में द्वापर युग की शुरुआत होती है। आदि में है लव और अंत में है कुश। तो समझ में आ गया कौन सा धर्म लव है और कौन सा कुश है? बीज रूप आत्मा की बात है। इस्लाम धर्म उसका बीज हुआ लव और क्रिश्चियन धर्म उसका बीज हुआ कुश। कुश माने कांटा, ये व्यभिचार का कांटा है। स्त्री पुरुष जब बिछड़ते हैं तो क्या सुख के लिए बिछड़ते हैं या ज्यादा दुखी हो जाते हैं? और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कांटा लगता है तो दुख फील होता है ना। और अंतर्जन में एक चेहरा राक्षस का दिखाया गया है। अंतर्जन में एक चेहरा राक्षस का दिखाया गया। लास्ट राक्षसी चेहरा दिखाया गया है। लास्ट होगा तो कम नंबर लेने वाला होगा ना, है? जो छोटा होता है सो खोटा होता है कि नहीं है? छोटे को ज्यादा प्यार मिलता है कि नहीं मिलता है? तो प्यार में बच्चा बिगड़ता है या सुधरता है? और ही ज्यादा बिगड़ जाता है। तो लास्ट में प्रत्यक्ष होगा तो पता चल जाएगा। उसका नाम भी ऐसे ही है, नाम के आधार पर ही उसका काम मालूम पड़ जाता है। क्या नाम है? है निकृति। और बाबा पूरी दुनिया में डायबिटीज और इंसुलिन से मर रहे हैं। डायबिटीज और एल्स, हाँ, उसका मेडिसिन ये दुनिया विनाश होने से पहले कुछ निकलेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों, डायबिटीज की दवाएं निकली हुई नहीं है क्या? डायबिटीज की तो दवाएं निकली हैं, लेकिन एड्स की दवाएं पक्की नहीं निकली हैं। डायबिटीज का मूल कारण है तो सभी बीमारियों का मूल कारण व्यभिचार, लेकिन एड्स का खास कारण है व्यभिचार, वैश्यावृत्ति। ये वैश्यावृत्ति से ही पैदा होता है।
और ये वैश्यालय का उपचार किसके पास है? है? बताते क्यों नहीं? है? ये वैश्यालय की बीमारी का उपचार किसके पास है? शिव बाबा के ही पास है। दुनिया वालों के पास, दुनिया वाले डॉक्टरों के पास, हॉस्पिटल्स में और दवाओं से इसका उपचार नहीं हो सकता। और टाइम ज्यादा हो गया। जानते हो तुम? ऐसी तो कोई सीढ़ी नहीं बताया कि हम पार्ट को बदल सकते हैं। अच्छा कितना भी करो उतना ही अच्छा करेंगे जितना कल पहले किया होगा। वहाँ पॉइंट आया आपने समझा नहीं होगा। नहीं तो बाबा उसके जैसे समझे हमने ऐसे ही। वो वैसा ही समझो जैसा समझा रहे हैं। दोबारा समझा रहे हैं ना? उतना ही अच्छा प्रोग्राम होगा, उतना ही अच्छा पुरुषार्थ होगा जितना कल्प पहले हुआ था, उससे ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। तुम चाहे तो माथा मार के पटक के मर जाओ, लेकिन जितना अच्छा और जितना बढ़िया होने वाला था उतना ही अच्छा होगा, उससे ज्यादा बढ़िया नहीं होगा। विजय विहार की क्लास में चला बाबा। विजय विहार की क्लास में चले चाहे हार विहार की क्लास में चले। अगर बदल सकते हैं तो जैसे बेसिक नॉलेज वालों वाला प्रश्न हो गया। ये बेसिक नॉलेज वाले प्रश्न करते हैं, ड्रामा बदल सकते हैं क्या? अरे ड्रामा को हम जानते हैं क्या जो बदलेंगे? ड्रामा के बारे में हमें आगे पीछे का पता ही नहीं है, बदलेंगे क्या? बदलने की तो बात तब हो जब हमें पता हो, हमें पता ही नहीं है। जितना इस जीवन में बीत चुका वो भी भूल जाते हैं, तो पूर्व जन्मों का तो याद ही नहीं है, आगे क्या होने वाला है वो भी हमको पता नहीं, तो बदलेंगे क्या? और जितना हो चुका है इस जीवन में वो तो स्पष्ट है, इतना ही पहले हुआ था, परिवर्तन कुछ होना ही नहीं है। लेकिन ये समझ के बैठ नहीं जाना है, फिर भी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ड्रामा को आगे नहीं रखना है, क्या आगे रखना है? पुरुषार्थ को आगे रखना है। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, पुरुष माने आत्मा के अर्थ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो वर्तमान जिंदगी के लिए कर ही नहीं रहे। आत्मा का जो कल्याण है वो भविष्य जन्मों से कनेक्टेड है या वर्तमान से कनेक्टेड है? भविष्य जन्मों से कनेक्टेड। तुम गैंग गैंग करते रहते हो। समझ में आ गया? नहीं बाबा। राजयोग सीखने वाले 16,108 राज परिवार के और बाकी 4.5 लाख प्रजावर्ग वाले 100% पास लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, बाकी सब प्रजा साहूकार लोग होंगे।
राजयोग तो नहीं सीखेंगे। उनकी शक्ति ऊर्ध्वगामी तो नहीं होगी। तो योग के बिना, राजयोग सीखे बगैर वो लोग रचना रचेंगे, जन्म लेने वाले 4.5 लाख की। तो ये प्रजावर्ग के लोग जन्म कैसे देंगे देवताओं को, जब राजयोग सीखे ही नहीं है। पवित्र सृष्टि की रचना कैसे होगी? एक नियम पक्का, वो तो भूल ही गए, यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है स्वतः ही। प्रजा को पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं पड़ती। राजा अगर भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी क्या हो जाएगी? बिना पुरुषार्थ किए ही भ्रष्टाचारी हो जाएगी। राजा अगर शिष्टाचारी है तो प्रजा भी शिष्टाचारी, उसे पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। तो जो 16,108 राजयोग सीख लेंगे वो राजवर्ग की आत्माएं हैं। वो राजाएं जैसे बनेंगे इसमें सीखने की दरकार ही नहीं, प्रजावर्ग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सीखने सिखाने की बात ही खत्म हो जाती है और वो वैसे ही बन जावेंगे जैसे राजवर्ग की आत्माएं हैं। दूसरी बात, राजा वर्ग के हों चाहे प्रजा वर्ग के हों, जो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप स्टेज तो धारण करेंगी। बीज रूप स्टेज धारण करने के कारण वो पहले पहले परमधाम में तो पहुंचेंगी, और पहले पहले परमधाम में जावेंगी तो पहले पहले नई सृष्टि में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? संगम युग की नई सृष्टि में वो पहले पहले ही अंत में उतर आवेंगी। तो ज्ञान लेकर के आवेंगी या ज्ञान वहीं खत्म हो जाता है? ज्ञान तो खत्म हो जाता है। क्या लेकर के आवेंगी? आत्म की स्थिति लेके आवेंगी, और क्या चाहिए? जिनकी आत्मिक स्थिति 16 कला संपूर्ण बनी हुई हो उनसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? 16 कला संपूर्ण बच्चे पैदा होंगे, शिष्टाचारी बच्चे पैदा होंगे या भ्रष्टाचरण करने वाले बच्चे पैदा होंगे? शिष्टाचारी बच्चे ही पैदा होंगे। तो ये प्रश्न नहीं है कि राजवर्ग की मुट्ठी भर आत्माएं ही राजयोग सीखती हैं भगवान से, प्रजावर्ग की तो सीखती ही नहीं, प्रजावर्ग को सीखने की दरकार ही नहीं। क्योंकि मुरली में बोला है जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी भी कोई खासियत होती है जो और धर्म की प्रजावर्ग में नहीं होती है। वो खासियत है बेसिकली आत्मिक स्टेज तो सब की बनेगी जो और धर्म वालों की नहीं बनेगी। चंद्रवंशियों की भी इतनी आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, प्रजावर्ग की बन जाएगी। तो सारी ही आत्माएं ज्ञानी तू आत्माएं कही जाएंगी। बल राजयोग नहीं सीखेंगी, भगवान से नहीं सीखेंगी, लेकिन भगवान से जिन्होंने सीखा है उनको फॉलो तो करेंगी कि नहीं फॉलो करेंगे? फॉलो तो करेंगे। परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं चलते, परंतु कोई एक व्यक्ति भी ज्ञान में चलता है और उसका परिवार वाले विरोध नहीं करते हैं
तो डीवीडी में बाबा का वो चित्र देखते हुए मुरली सुन सकता है क्या? अरे परिवार के अंदर होगा तो क्यों नहीं सुनेगा? परिवार के अंदर है, ज्ञान में चलता नहीं है, बाबा का बच्चा नहीं बना है, लेकिन सुनता है तो उसको सुनने नहीं देंगे? परिवार वालों को तो सुनने ही देना है। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी बाबा का चित्र देख लेंगे ना, तो ऐसी श्रीमत है क्या? अरे चित्र भी नहीं देखने दोगे? नहीं बाबा, हाँ बिना ज्ञान के वो देखेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना बाबा, हाँ तो उसको फिर लास्ट तक निश्चय होगा ही नहीं अगर देख लिया तो। हाँ तो बोला गया ना, ना ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस उसने देख लिया साधारण इंसान की तरह देख लिया तो साधारण मनुष्य समझ लिया तो लास्ट में भी वैसी इम्प्रेशन रहेगा ना। वो तो पहले तो सभी साधारण रूप में ही देखते हैं, जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक साधारण रूप में ही देखेंगे कि असाधारण रूप में देखेंगे? तो ऐसा क्यों कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का मतलब है ज्ञान को जिस समय समझाया जाता है तो समझाने वाला अगर समझा लेता है तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ गया, नहीं समझा पाया तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ गया। बच्ची नहीं करने से बाबा को नहीं देखना है ऐसा बोला गया ना, वो चित्र में देखना है और वो प्रैक्टिकल में देखना है, तो अंतर नहीं है। लफुल और लाफुल, हाँ तो लफुल कौन है? अरे लफुल कौन है प्रैक्टिकल में? हाँ चलो ठीक है, मध्याजी भवन है, हाँ लक्ष्मण नारायण, हाँ मनमना बाबा है सिर्फ मन तक सीमित, मनमना बाबा है सिर्फ मन तक सीमित, और याजी माने कर्म करना, यजन करना, स्वाहा करना, प्रैक्टिकल जीवन में तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्वाहा करके दिखाना, उसको कहते हैं मध्याजी भव। तो वो पवित्र आत्मा जो है उसको कहेंगे मध्याजी भव। जो ज्ञानी आत्मा है वो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बगाड़ सकेगी, पवित्र तो नहीं बन सकी, न बना सकी। और लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रैक्टिकल जीवन है, ब्रह्मा का जीवन प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। शंकर का जीवन ज्ञान है लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल जीवन नहीं कहेंगे। विष्णु, विष्णु का पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है। हर एक व्यक्ति एकदम में नहीं रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति लव एंड लॉ दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। चाहिए से थोड़ा ही हो जाता है, कुछ करने से होता है, सकता है लेकिन बनता तो नहीं है। हाँ हाँ एक तो बनता ही है, ऐसे तो नहीं कोई नहीं बनता है बाबा। ये ना 1976 में जो एडवांस पार्टी है ना वो उसके लिए बोल रहे हैं कि नई दुनिया की सौगात दी है, ऐसा बोल रहा है। 76 में नई दुनिया की सौगात नहीं दी, नहीं दिया इसने, ऐसा बोल रहा है। 76 में मनसा के अंदर, मनसा के अंदर नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप नहीं है, मनसा के अंदर खाका खींच गया। तो ये भाई ऐसा सोच रहा है कि यही नई दुनिया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो 2004 के बाद जो वाणी अव्यक्त वाणी चली है उसमें बताया है
कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है ना, उस नई दुनिया में जाना आना करते हो ना। हाँ जी, संक्षेप की बात नहीं है वो, और चेतक की बात नहीं है, और धर्म के यही यही सूत्र है कि चार राम के तीन भाई और उनके सहयोगी में शक्ति, वो संक्षेप की बात है, वो सूत्र है। हाँ, वो संक्षेप की बात। और अष्टदेव में तो लक्ष्मी नहीं है ना, विजय माला का हेड तो नहीं है अष्टदेव में, नहीं कोई वो भी सूत्र है, दस धर्म के बीच समझ रहा है, गांधारी भी अपना जान बूझ करके अंधी हो गई। हाँ हाँ, वो माँ का धर्म है, ब्रह्मा चंद्रमा वो माँ का धर्म है, धृतराष्ट्र और गांधारी माँ का धर्म नहीं है, वो जानती है समझती सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी विघ्न रूप बन करके खड़ी हो जाती है, अनजान बन जाती है। इस्लाम धर्म की हुई और क्या, जो जानबूझ करके विरोधी बन जाए, जानबूझ करके दीवाल बन के खड़ा हो जाए, तो दीवाल कौन से धर्म में होती है, है? मस्जिद में दीवाली ये तो होती है, और क्या होता है, मुसलमान सब दीवाल के सामने बैठ के पूजा करते हैं। है? हाँ जी, बाबा बूढ़ी माता की हालत देखो क्या है, माता जी किसी का सहारा लेने के लिए कोई संगठन में जा नहीं सकती, घर में बच्चा सीडी देखना कैसेट सुनना छोड़ देता है, बिल्कुल क्लास ही नहीं होता है, ऐसे हालत में क्या करना है, बाबा के क्लास में भी आना चाहते हैं परंतु कोई ज्ञान में चलने वाले नजदीक न होने के कारण हम क्लास में भी नहीं आ पाते, क्या करना है, बाबा की याद तो मिली हुई है, बाबा को याद करो, जब सैंपल दे दिया कि विश्व की बादशाही लेने वाला विश्व की बादशाही कैसे ले लेता है, याद के बल पर ही विश्व की बादशाही ले लेता है, आखिरी इन ज्ञान ध्यान की बातों को भी छोड़ देगा, क्या करेगा, सिर्फ याद करेगा, और याद के आधार पर ही विश्व की बादशाही ले लेगा, तो हम नहीं ले सकते क्या, है अर्थ सहित याद कहेंगे कि ये अनर्थ न हो, जिसका अनर्थ न हो निकाला जा सके, जैसा अर्थ है उसी अर्थ में याद करना, जैसे बेसिक में बिंदी को याद करते हैं लेकिन अर्थ बता सकते हैं कि बिंदी कैसे स्वर्ग स्थापन करेगी, कहेंगे बिंदी नहीं स्थापन करेगी, वो तो सिर्फ ज्ञान देती है आकर के, स्वर्ग हम स्थापन करेंगे, तो ये बात तर्क संगत अर्थ सहित है, ये बात अर्थ सहित है कि मनुष्य स्वर्ग स्थापन कर सकता है, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही प्रैक्टिकल में आकर के देता है, तो उनका है अनर्थ है और आपका है अर्थ सहित याद करना, है तो पूरा ज्ञान चाहिए ना, बेसिक ज्ञान से थोड़ी चलेगा, मैं आत्मा बिंदी तुम आत्मा बिंदी
हम आपस में भाई भाई भाईचारा हो जाएगा, बाप की याद हो जाएगी, सारे ही बिंदी बिंदी बिंदी, वो भी बिंदी सुप्रीम सोल, कौन सी बिंदी को याद किया कुछ पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो परिवर्तन कहां से होगा? लेकिन बाबा वो माता जी कह रही है ना मैं नहीं आ सकती हूँ, तो याद से विश्व की बात ही मिलेगी। हाँ भट्टी कहाँ से हो जाती ना बाबा? है भट्टी कहाँ से नहीं होगी? ये थोड़ा ही कहा, वो क्या आ नहीं पा रही ना? हाँ तो बता, वो अपने कारण तो बता सकती है लिख करके कि मैं इस कारण नहीं आ पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अरे ये कोई बात हुई? कोई बेड रेस्ट में आ गया तो उसको छुट्टी नहीं दी जाएगी? हाँ गवर्नमेंट भी जो बीमार हो जाते हैं उनको छुट्टी देती है, तनख्वाह भी देती है सारी जिंदगी। रीजन लिखना चाहिए ना बाबा? हाँ जी भगवान ने लक्ष्मी नारायण को सजाया, किसी को आर्टिफिशियल फूल लगा करके उनको सजा रहे हैं, तो भक्ति करेंगे या क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण भगवान ने उनको सजा के रखा है, सजा के रखा है, उनमें कमी नजर आता है और आर्टिफिशियल फूल लगा करके टेस्ट करते हैं। किसको? कौन फूल लगाते हैं? ये चित्र को थोड़े ही फूल लगाए हैं, ये चित्र को नहीं फूल लगाए हैं, ये तो पब्लिक को देखने के लिए फूल लगाए हैं। ये फूल जो है ये पब्लिक को देखने के लिए लगाए हैं ताकि चित्र प्रसन्न रहे। अगर कोई ऐसा जिज्ञासु बैठा हुआ है जिसकी बुद्धि बाहर भटक रही है, ज्ञान सुनता नहीं, ज्ञान सुनने में मन नहीं लगता है, बाबा की याद में मन नहीं लगता है, आंखें खोले तो कम से कम अच्छे अच्छे फूल तो दिखाई दे। ये जो मकान वकान बनाए हुए हैं ना, ये सब भक्ति है, ये साधना के साधनों के आधार पर साधना करना, ये सब भक्ति है। ये जितने भी मकान बनाए जा रहे हैं ये सब भक्ति है। ज्ञान के लिए कोई साधन की दरकार नहीं है, इसलिए चलो जंगल में। अरे इतना मकान बनाने में जितना समय और पैसा खर्च किया है, इतना साधना में पैसा खर्च करो ना, दूसरों के कल्याण में खर्च करो ना। मकान बनाकर दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में बड़ा मजा आता है, और तीन चार उंगली अपनी तरफ आती है वो नहीं देखने में आता है। आता है बाबा, आप तो उनको ही सपोर्ट कर रही है, आपको तो पता ही है। जो सरेंडर होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? हैं? जो सरेंडर होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? हम तो बाबा के बच्चे ही हैं, सरेंडर वाले तारे जो सजे हुए हैं वो सही है, तारे भी सजे हुए हैं वो सही है। कहाँ तारे? तारे देवी गुणों का श्रृंगार है, वो दूसरी बात बोल रहा है।